मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास टेंथ चैप्टर टू तक का कंप्लीट हो चुका है तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थ्री चैप्टर थ्री है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टूडेंट सबसे पहले तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यू नो गुड स्टूडेंट मेटल्स के बारे में हम क्लास आई थिंक सिक्स से पढ़ते चले आ रहे हैं कि वॉट इज मेटल्स तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूँगी स्टूडेंट उस चैप्टर चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तो प्रीवियस नॉलेज को लेकर हम चलते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले आप याद कीजिए मटेरियल्स किसे कहते हैं जो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं पंखा है कूलर है टीवी है प्रेस है जिसमें हम खाना खाते हैं वो बर्तन है जिसमें हम खाना बनाते हैं तरह तरह के बर्तन होते हैं कुकर है तवा जो एक अलग मटेरियल का बना होता है तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जिस पर हम बैठते हैं वो चेयर है चेयर प्लास्टिक की बनी है लकड़ी की बनी है आयरन की बनी है तो ये सभी क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स फिर इन मटेरियल्स में अलग अलग कैटेगरीज़ डिवाइड की गई और वो कैटेगरीज़ हो गई कौन कौन सी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो मेटल्स क्या थी चलिए तो अब हम पढ़ते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे ओके स्टूडेंट इन क्लास नाइन्थ यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट आपने क्लास नाइन्थ में बहुत डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पढ़े थे यू है यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज स्टूडेंट आप अच्छे से जानते हो कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया एक्चुअल में एलिमेंट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स लेकिन इस चैप्टर में हम केवल दो चीज़ पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और उन दोनों को डिवाइड करते हैं हम उनकी बेसिक प्रॉपर्टी के द्वारा थिंक ऑफ सम यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ हम डेली लाइफ में मेटल और नॉन मेटल का किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में आप सोचिए और उन मेटल और नॉन मेटल के फिर नाम भी लिखिए वॉट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल्ड कैटेगराइज एनिमल एज एलिमेंट्स एज मेटल्स और नॉन मेटल्स और उन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोचिए जिन उन प्रॉपर्टी की वजह से हमने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ़ दीज एलिमेंट और ये प्रॉपर्टी किस तरह से उन एलिमेंट के यूज़ में होती है किस तरह से रिलेट उसको रिलेशन में आती है यानी कि ये प्रॉपर्टी उसको किस तरह से यूज़ करती है लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल्स तो चलिए हम उन सभी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिज़िकल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है फ़िज़िकल प्रॉपर्टी मेटल्स किसके बारे में है मेटल्स द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सबस्टेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लेटेस्ट स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर एक्टिविटीज थ्री पॉइंट वन टू थ्री पॉइंट सिक्स कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स आयरन कॉपर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम लेड जिंक एंड Any other metals that is easily available. Clear student, आपको क्या करना है activity 3.1 को हम start करेंगे इसके लिए हमें बहुत सारे metals हैं उनको collect करना होगा जैसे कि iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metals that is easily available जो आपको आसानी से मिल जाए activity 3.1 एक सैंपल ऑफ आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम नोट द एपियरेंस ऑफ ईच सैंपल क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विथ सैंड पेपर एंड नोट देयर एपियरेंस अगेन क्लियर स्टूडेंट आपने इन सभी मेटल्स को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद में आप इनकी सरफेस देखिए इनकी सरफेस अलग अलग कलर की हो रही होगी कोई ब्लैक कोई ब्राउन कोई ब्राउनिश उसके बाद में आपको क्या करना है सैंड पेपर लेना है क्या लेना है सैंड पेपर और सैंड पेपर से उनकी सरफेस को रब करना है यानी कि उनको घिसना है जब आप उनको घिस दोगे तो वो कैसी निकल आएंगी एकदम न्यू जैसी निकल आएंगी मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनी सरफेस दिस इज दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर क्लियर स्टूडेंट जितनी भी मेटल्स होती हैं वो अपनी प्योर स्टेट में बहुत ही शाइनी सरफेस की होती हैं जब हम उन सभी मेटल्स को सैंड पेपर से रब कर देंगे तो वो बहुत ही शाइनी सरफेस की निकल आएंगी एकदम नई जैसी निकल आएंगी तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर तो मेटल की हमें फ़र्स्ट प्रॉपर्टी पता चल गई कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं शाइनी सरफेस की होती हैं इट मींस मेटेलिक लस्टर चमकदार होती हैं क्लियर स्टूडेंट Next activity 3.2. Take a small piece of iron, copper, aluminium, and magnesium. Try to cut these metals with a sharp knife and note your observation. Hold a piece of sodium metal with a pair of tongue. Always caution, always handle sodium metal with care. Dry it by pressing between the fold of a filter paper. Put it on a वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ वॉट डू यू ऑब्जर्व यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड द हार्डनेस वेरीज फ्राम मेटल टू मेटल तो एक्टिविटीज सेकेंड से हमने क्या सीखा कि जितनी भी मेटल्स थी उनको हमने नाइफ से काटने की कोशिश की लेकिन वो नाइफ से सब नहीं कटे इसका मतलब क्या है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सभी जनरली कैसे होती हैं हार्ड होती हैं कठोर होती हैं कठोर होती हैं इसी वजह से मेटल को हम नाइफ से नहीं काट सकते तो मेटल की सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी हो गई मेटल्स आर हार्ड क्लियर सॉलिड भी बोल सकते हैं ठोस होती है ना सॉलिड एंड हार्ड एक्टिविटी थ्री पॉइंट थ्री टेक पीस ऑफ आयरन जिंक एंड लेड एंड कॉपर प्लेस एनी वन प्लेस ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट फोर और फाइव टाइम्स विद अ हैमर वॉट डू यू ऑब्जर्व रिपीट विथ अदर मेडल्स रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स आपने आयरन जिंक लेड और कॉपर ली ठीक है इन सभी को लेने के बाद में आपने क्या किया इनके ऊपर हैमर मारा हैमर का यूज़ किया फोर से फाइव टाइम्स चार से पाँच बार तो क्या देखा हमने इनकी क्या चेंज हो गई शेप चेंज हो गई इट मीन्स यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स यानी कि मेटल्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट में पतली से पतली शीट में आयरन को आपने देखा हुआ है स्टूडेंट जब आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो हैं तो उनके ऊपर हैमर का यूज़ करते हैं एकदम उसको रेड हॉट करते हैं आयरन को फिर उस पर हैमर मारते हैं इससे उस पतले से पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरह से आपने देखा होगा बेटा जो एल्यूमिनियम फॉयल पेपर होता है जो हम खाने को ब्रैप रैप करते हैं तो एल्यूमिनियम फॉयल पेपर यानी कितनी पतली शीट में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया तो ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को हम पतले से पतले थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं सो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा मेलेबिलिटी तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं उनको हम बीट करके पतली से पतली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है वो गोल्ड और सिल्वर में पाई जाती है किस में पाई जाती है गोल्ड और सिल्वर में वो सबसे ज़्यादा मोस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं क्लियर नेक्स्ट है एक्टिविटी थ्री पॉइंट फोर consider some metals such as a iron copper aluminium lead etc which of the above metals are also available in the form of wires the ability of metals to be drawn into the thin wires is called ductility gold is the most ductile metal you will be surprised to know that a wire of about टू किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रोन फ्रॉम अ वन ग्राम ऑफ गोल्ड वाओ स्टूडेंट एक्टिविटी थ्री पॉइंट फोर के अकॉर्डिंग कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम खींचें तो उनसे हम पतले से पतला वायर बना सकते हैं और मेटल की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक टैलिटी क्या बोलते हैं डक टैलिटी यानी कि मेटल्स जो होते हैं जिन मेटल्स में ये योग्यता होती है उसमें ये एबिलिटी होती है कि उनको ड्रॉन किया जाए इंटू थिन वायर्स तो उनको बोलते हैं डक्टाइलिटी और इसमें सबसे ज़्यादा होता है गोल्ड गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल वाई बिकॉज ओनली वन ग्राम ऑफ गोल्ड की हेल्प से हम टू किलोमीटर लेंथ का वायर खींच सकते हैं क्लियर सो so, इट इज़ बिकॉज ऑफ़ देअर मेलेबिलिटी एंड डक्टेलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिव इन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स मेटल्स में मेलेबिलिटी और डक्टेलिटी होती है इसी वजह से हम मेटल्स को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके स्टूडेंट तो ये भी क्या हो गई मेटल्स की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई वेरी गुड कैन यू नेम Some metals that are used for making cooking vessels do you know why these metals are used for making vessels let us do the following activities activity 3.5 take an aluminium or copper wire clamp this wire on a stand on the figure 3.1 fix up into the free end of the wire using wax heat the wire with a spirit lamp candle or a burner near the place where it is clamped

और उनको क्लैम्प पर कस दिया जब हमने हीट किया तो वो वायर बहुत ही गर्म हो गई उस वायर गर्म कैसे हो गए तो वो हमने देखा वायर पर हमने क्या लगा दी थी वैक्स लगा दी थी तो वो वैक्स गर्म होने पर मेल्ट होकर नीचे पिघलने लगी यानी कि जितनी भी मेटल्स होती हैं ना बेटा वो मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं यानी कि वो ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं वो तुरंत हीट हो जाती हैं गर्म हो जाती हैं अगर आप लोहे की रॉड को और एक लकड़ी की रॉड उन दोनों को आप धूप में डाल दीजिए दो घंटे बाद आप उन दोनों को टच करोगे तो जो आयरन की रॉड थी ना वो बहुत ही गर्म हो जाएगी क्योंकि वो मेटल है और मेटल क्या होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्लियर स्टूडेंट और हीट के बेस्ट कंडक्टर होते हैं सिल्वर एंड कॉपर क्या होती है कॉपर एंड सिल्वर लेड और मरकरी सबसे पुअर कंडक्टर होते हैं ओके स्टूडेंट तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही आप आज रीड करेंगे इन दोनों पेजेस को चैप्टर थ्री की ओके स्टूडेंट थैंक यू